कांग्रेस नेता कवासी लखमा हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो खुलेआम बीड़ी पीते हैं तो कभी दारू के फायदे बताते हैं, और तो और ऐसे ऐसे बयान दे डालते हैं जिसे सुनकर लोगों की हंसी छूट जाती है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से कवासी लखमा फुल एक्शन मोड में है। बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुर्गा लड़वाया और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बस्तर जिले के ग्राम पुष्पाल में दादी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लखमा ने देखा कि गांव के बाहर मुर्गा लड़ाई का खेल चल रहा है। फिर क्या था, लखमा भी रिंग में कूद पड़े। ग्रामीण से मुर्गा लेकर वो भी मुर्गा लड़ाने लगे। ये सिलसिला करीब 20 मिनट तक चला। दादी को मुर्गा लड़ाते देख बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए। दादी के मुर्गा लड़ाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बस्तर में पारंपरिक रूप से मुर्गा लड़ाई का खेल प्रत्येक गांव में अलग अलग दिवस में होता है। इसमें दाव भी लगाए जाते हैं। जो मुर्गा जीतता है उससे अच्छी खासी मोटी रकम ग्रामीणों को मिलती है। बस्तर में मुर्गा लड़ाई को पारंपरिक खेल माना जाता है। अब इस मुर्गा लड़ाई के सहारे जो लखमा है वो बस्तर के वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।